सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। आज दिन है सोमवार और जैसा कि हमारे तमाम दर्शक जानते हैं सोमवार के दिन हम चर्चा करते हैं टैरो से जुड़ी हुई और ये तमाम जानकारियाँ आज फिर से हम हासिल करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित टैरो कार्ड रीडर आचार्य विद्या जी से। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये कार्ड चार्ज किए क्यों जाते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम का, बात करते हैं विजया जी के साथ। विजया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। विजय जी बहुत ही खूबसूरत बातें इस कार्यक्रम के जरिए आप हमें बताती हैं, आपने हमें बताया कि टैरो कार्ड वास्तविकता में होता क्या है, आज आप हमें बताएं कि ये चार्ज किए क्यों जाते हैं विस्तार पूर्वक। जी देखिए टैरो कार्ड जो हैं ये आज के तो हैं नहीं, 15वीं शताब्दी से ये चले आ रहे हैं। पहले इनको लोग एक खेल के रूप में लिया करते थे, अभी भी आप देखते हैं कि तोता वाला हमारे देश में कि एक पर्ची निकालता है और उसमें बताता है कि भाई क्या हुआ आपके भाग्य में क्या है। पर मैं हमेशा कहती हूँ ये भाग्य जानने से ज़्यादा आपका जो है गाइडेंस देने के लिए होते हैं। तो इसमें अब एक खेल की जगह अब ये एक स्पिरिचुअल ऑकल्ट बन चुके हैं। तो इनको चार्ज करना, इनको अच्छे से रखना, देखिए चार्ज हम तब करते हैं टैरो कार्ड्स को जब हम नया टैरो कार्ड का डेक खरीदते हैं या फिर हमने किसी अपने गुरु का डेक ले लिया या किसी अपने रिश्तेदार ने माँ ने बेटी को दे दिया, दोस्त ने कहा कि मैं नहीं करा लो तुम मेरा डेक ले लो। तो जो डेक होता है टैरो कार्ड, जब 78 टैरो कार्ड्स को डेक बोला जाता है, जब वो आपके पास आते हैं तो उनको चार्ज किया जाता है। क्योंकि देखिए आप किसी का भविष्य उसमें बताते हैं, किसी को गाइडेंस देते हैं, तो उनका शुद्ध होना, उनको शुद्ध होना, उनको शुद्ध करना ही चार्जिंग होती है। जी। तो उसको आप तरह तरह से चार्ज, इसके कई तरीके हैं जिससे चार्ज करने के। कई बार क्या होता है डेक आपने अच्छे से चार्ज करा रहता है मगर वो गिर गया, नीचे गिर गया आपके हाथ से, तो भी आप उसको चार्ज करना पड़ता है आपको कि वो अशुद्ध तो नहीं हो गया। इसके अलावा अगर किसी ऐसे नेगेटिव लोग आ गए आपके पास जिनमें आपको लगता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा है, उन्होंने आपके कार्ड्स को छू लिया और तो आपके जो कार्ड्स हैं वो आंसर्स देना बंद कर देते हैं और जो उनके आंसर है वो घुमा के या सटीक नहीं आते हैं, तब भी इनको समय समय पर शुद्ध करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। आचार्य जी इनको चार्ज किया क्यों जाता है ये आप हमें बताएं। जी देखिए चार्ज जैसे मैंने अभी आपको बताया अभी कि अगर आप इनको अच्छे से नहीं रखते, देखिए जैसे आप स्वयं भी कपड़े पहनते हैं इनको भी कपड़े में रखना चाहिए, बॉक्सेस आते हैं वेस्ट में तो आप वो बॉक्स में रख सकते हैं, किसी भी कपड़े में लपेट के इनको बॉक्स या पोटली में रखा जाता है। इसके बावजूद जब आप रीडिंग करेंगे किसी भी क्लाइंट की तो कई बार उनमें नेगेटिविटी रहती है, वो नेगेटिविटी कार्ड्स एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो इसलिए इनको बार बार चार्ज किया जाता है ताकि जो के उत्तर आए, जो ये गाइडेंस दें वो काफ़ी सटीक हो, एकदम उनका ऐसा जीवन उनका पलट दे, इस तरह का आप उनको आंसर दे पाएं। क्योंकि जो भी आपके पास आएगा वो एक अच्छा सलाह लेने आएगा, आपसे एक अच्छा उत्तर लेने आएगा, तो इसीलिए इनको चार्ज किया जाता है कि इनमें एंजल्स की जो कृपा है वो बनी रहे और एंजल्स जो है इनके साथ रहे और अच्छे से सटीकता से उत्तर दें। जी आचार्य जी यहाँ पर एक विशेष प्रश्न ये भी उठता है कि पता कैसे चलता है कि ये चार्ज हो गए हैं। जी जब भी आपके जो कार्ड्स हैं वो सही से आंसर देने लगे, अपने आप फ्लिप अप कार्ड्स, जैसे जब आप शफल करेंगे तो एक कार्ड अपने आप निकल जाना, या जैसे ही आपने डेक उठाया और सामने आपके प्रश्नकर्ता बैठा है तो उसमें एक ऐसा कार्ड आ जाना जिससे आपको सब कुछ उसके बारे में पता लग जाए कि ये क्वेश्चन बोलने वाला है, तो हमें पता लग जाता है हमारे जो कार्ड्स हैं वो एकदम चार्ज हैं। और इनको चार्ज करने के भी बहुत से तरीके रहते हैं, वो तरीके हम आपसे जानना चाहेंगे, हम चाहेंगे आप विस्तार पूर्वक जरूर बताएं हमें। जी देखिए आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि अपने टैरो कार्ड्स को हम कैसे चार्ज करें। ये उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो टैरो कार्ड्स करते हैं या इसके स्टूडेंट्स हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए 78 कार्ड्स रहते हैं टैरो कार्ड, जब भी आपको इनको चार्ज करना हो आप इनको अपने हाथ में लें
और एक एक कार्ड की तस्वीर आपको देखनी चाहिए। इसमें मेजर अकराना जो रहते हैं उसको पहले रखा जाता है। सिस्टमेटिक रखिए, मेजर पहले माइनर बाद में रखिए। देखिए ये जैसे अर्थ, फायर, एयर, ये सारी चीज़ें, वाटर, इनमें सारी सम्मत रहती है। तो सब चीज़ों का ध्यान करके आप सारे कार्ड्स को रोज देखें। मैं तो बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि डेली आप कनेक्टिविटी बनाएं अपने कार्ड से, डेली इन कार्ड्स को देखें। जैसे मजिशियन का कार्ड आया तो आप उसके अंदर स्वयं को महसूस करें कि मैं इसके अंदर हूँ, सारे जो इसके सामने टूल्स पड़े हैं वो मेरे पास है। तो इनको देखने से भी काफ़ी हद तक चार्ज रहते हैं। जी दूसरा इसका तरीका रहता है कि आप मूनलाइट में, जब भी पूर्णमासी हो, फुल मून डे हो, तो आप इन कार्ड्स को फुल मून की नाइट में रखें, उसकी रोशनी में थोड़ी देर के लिए रखें, थोड़ी इनको हवा भी दिखाएं। ये नहीं कि आपने एक डार्क रूम बनाया हुआ है उसमें आप कार्ड करते जा रहे हैं, तो इनके जो उत्तर हैं वो सटीकता से नहीं आते। जी तीस एक जी जी बताएं। तीसरा भी एक तरीका रहता है इसका कि आप इसको अगरबत्ती, धूप बत्ती या सिनेमन स्टिक होती है, रोजमेरी स्टिक्स होती हैं, उनको जला के इन कार्ड्स को ऐसे थोड़ा सा धुआं लगाया जाता है, जिससे इनकी चार्ज, मतलब इनकी नेगेटिविटी हम हटा रहे हैं और इनको पॉजिटिव कर रहे हैं। इसके अलावा आप इनको सॉल्ट से भी एनर्जाइज कर सकते हैं। एक सॉल्ट का आप कार्ड से बड़ा एक डब्बा लें, उसमें सॉल्ट आप उसमें भर सकते हैं, पूरा सॉल्ट ऊपर तक भर दें। कार्ड्स को एक आप पॉलीथिन में या एक ऐसे में कि उस पर लग ना जाए, हम तो कई बार सॉल्ट में भी डाल देते हैं ताकि पूरा अच्छे से अब्जॉर्ब। आप देखते हैं ना, हम आपको बताते हैं कि आप अपने घर में सॉल्ट का पोचा लगाएं, बिल्कुल अगर आपको नज़र लग जाती है तो आपको बोला जाता है कि आप सॉल्ट बाथ लें। इसी तरीके से इन कार्ड्स को भी सॉल्ट बाथ दिलाई जाती है, इससे इनकी जो ब्लैक एनर्जीज हैं या नेगेटिव एनर्जीज इन पे आ जाती हैं। हर तरह के लोगों से आपका मिलना होता है, हम लोग करते हैं, तो हम इनको इस तरीके से एनर्जाइज करते हैं। उसके बाद इनको शुद्ध पवित्र भी कर सकते हैं आप, गंगा जल या कि जिस भी आप भगवान को मानते हैं वहाँ का पवित्र जल थोड़ा सा इनके ऊपर छींटा दे के फिर आप इन कार्ड्स को रख सकते हैं, फिर ये अच्छे से एनर्जाइज हो जाते हैं। जी, इसे साधना की ही प्रक्रिया कहा जाए या नहीं, जी ये अभी आप हमें बताएं। जी बिल्कुल। देखिए मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, कि साधना ही तो है, जब इन कार्ड्स को हम हाथ में लेके बैठते हैं तो हम मेडिटेशन, जो लोग रेकी को समझते हैं ना वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। हम लोग जब इसको हाथ में लेके बैठेंगे तो हम देखेंगे कि एक वाइट लाइट हमारे पास ऊपर से आ रही है, और उस वो वाइट लाइट इन कार्ड्स में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं कि वो वाइट लाइट से ये बिल्कुल एनर्जाइज होते जाए, वो वाइट लाइट पवित्र। अब जैसे जो लोग रेकी समझते हैं वो समझेंगे कि वो कुदरत की वाइट लाइट होती है और उससे हम इसको एनर्जी देते हैं, और सिंबल्स रेकी के उनके ऊपर बनाए जाते हैं। तो ये साधना ही है, बिना साधना, बिना मेडिटेशन के तो आप इनको एनर्जाइज नहीं कर पाएंगे, फिर ये कार्ड मात्र ही रह जाते हैं कि आपने कोई भी कार्ड लिया और कोई निकाल दिया। इनको पवित्र करना, इनको एनर्जाइज करना, फिर इनको यूज करना ही आपके आंसर्स को सटीकता लाता है आपके आंसर्स में। जी, इनके रख रखाव की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए ये भी आप हमें बताया चाहिए। जी देखिए, पहली बात तो ये कि इनको एक ऐसे स्थान पे रखें जो कि पवित्र हो, साफ होता हो रोज। जैसे आप कपड़े पहनते हैं ऐसे ही इनके लिए इनको कपड़ों में रखा जाता है। आते ही ये बॉक्स में है, उसके बाद इनको जब आप यूज़ करने लगे तो इसको एक कपड़े में लपेट के रखा जाता है, उसके बाद एक बॉक्स में या किसी पोटली में रखा जाता है। इनको ध्यान रखना चाहिए आपको कि कटे फिजिकल या कोई ऐसा ना हो कि इनका कट जाए, फट जाए, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक आध कार्ड भी इधर उधर हो जाता है तो इनकी सटीकता में उत्तर आता है। पूरा डेक आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको जब बोलती हूँ ना, इनको रोज देखो, आप इसको ऑब्जर्व करो कि क्या है क्या नहीं है, तो ये भी मेरा मतलब रहता है कि जब आप रोज देखेंगे और इसको सिस्टम से देखेंगे, जैसे किंग के बाद क्वीन, क्वीन के बाद नाइट, नाइट के बाद शॉर्ट, तो उसमें क्या होगा, आपको पता लगेगा कि कोई कार्ड मिसिंग तो नहीं है, कोई कहीं आप करने गए और कहीं गिर तो नहीं गया कोई कार्ड, तो उससे आपका डेक जो है वो ख़राब हो जाता है, फिर जो आपके आंसर्स हैं उसमें सटीकता नहीं आती है। इसलिए आप इनको चार्ज और मेंटेनेंस आपको इनकी ज़रूर करनी चाहिए। जी, जैसा कि हमें काफ़ी सारे लोग भी बोलते हैं, जब हम परमेश्वर के दर्शन करते हैं तो स्वतः ही हमें परमेश्वर देखने लगते हैं। आपकी प्रक्रिया भी शायद वैसी है कि रोज़ ही रोज़ हम इसी तरह परमात्मा स्वरूप मानकर इनके दर्शन करें, तभी हमें रिजल्ट मिल पाएगा। जी।
जी, एक आधा ऐसा उदाहरण भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक बहुत व्यक्ति ऐसा नेगेटिव आया हो जिसने आपके कार्ड्स को कहा जाए प्रभावित किया हो, कुछ ऐसा उदाहरण है तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगी और मैं बिल्कुल इसमें नाम नहीं लेना चाहूँगी। कई बार नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती है, या वो एक अच्छी सोच के साथ ही नहीं आते, वो कार्ड भी उठाएंगे तो कार्ड उल्टा होके सामने आपके रख देंगे। एक तो ये उदाहरण रहता है, या कार्ड्स ही नेगेटिव आने लग जाएंगे, या उनके हाथ से नीचे गिर जाएंगे, या वो हाथ पैर बहुत तेज तेज हिला रहे होते हैं, और उन पूरी जो तमन्नता से, जैसे एक कॉन्सेंट्रेशन से पूछा जाता है ना, वैसे वो क्वेश्चन नहीं पूछते, तो हमें पता लग जाता है कि कार्ड्स नेगेटिव हो गए। हम उसी वक्त सिंबल्स बना के इनको, या इनको चार्ज करके, शफल करके इनको उसी वक्त चार्ज करते हैं। मेरा तो ये रहता है कि मैं हमेशा उनको शफल करती रहती हूँ, ताकि जो एनर्जीज हैं वो ट्रांसफ़र होती रहें, और जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो जाती रहे और पॉजिटिव एनर्जीज इनमें आती रहे। जी, और अधिक जानकारियाँ आपसे ज़रूर लेंगे। अपने तमाम दर्शकों को बता दें, यदि इससे कार्यक्रम से जुड़ी आपकी कोई क्वारीज हैं, कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी और साथ ही साथ नंबर्स आ रहे हैं, आप तुरंत उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। कौन से कार्ड्स का यूज़ व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप हमें बताएं। जी देखिए, जब भी आप टैरो कार्ड सीखना शुरू करें या आप करना चाहते हैं, आप मार्केट जाएं, पहले देखें कि आप बहुत तरह के डेक्स आपको मिलेंगे, बहुत तरह की टैरो कार्ड्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उसमें देखिए कौन सा आपको दिल को छूता है, आप उनकी पिक्चर्स देखिए, आप नेट पे सर्च करिए कि किसकी पिक्चर, जैसे अगर एम्प्रेस का कार्ड है तो कौन सा ऐसा कार्ड है जिसकी एम्प्रेस आपको लगता है आप स्वयं हो सकती हैं, इस तरीके से। और कई बार तो मैंने देखा है लोग खुद, मैं तो बोलना चाहूँगी, खुद आप पेंट करके अपने टैरो कार्ड्स भी बना सकते हैं। आप वही एक कोई भी डेक लें और अपने ओरिजिनल टैरो कार्ड्स अपने हाथ से, अगर आप अच्छे पेंटर हैं या किसी पेंटर को जानते हैं, आप अपने, मैंने देखा कई लोग अपने पेंट करा के भी आप ले सकते हैं। बहुत तरह के डेक्स हैं, ओशो के डेक्स हैं, आपके राइडर एंड वेट के डेक हैं, आपको हजारों तरह के डेक मिलेंगे, फेरी गॉडेस के डेक्स हैं। आप इस तरह के कोई भी डेक लेके आप उसको देखें, जो आपके दिल को छू जाए उसको आप इस्तेमाल करें। मैं पर्सनली मैं राइडर एंड वेट यूज़ करती हूँ, जो कि 17वीं शताब्दी में दो भाई थे इटली में, राइडर एंड वेट, उन्होंने इनको बनाया था, मैं उनके यूज़ करती हूँ, ये अभी भी इटली से आते हैं। आपको जो दिल में आए आप वो कार्ड, एक अच्छी आत्मा के साथ जो आपको दिल को छू जाए, आप एंजल कार्ड यूज़ कर सकते हैं। कई कार्ड्स ऐसे आपको दिखेंगे, जैसे ये फेरी कार्ड्स आज मैं लेके आई हूँ, जिसके नीचे मैसेज भी लिखा होता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने लिए भी या किसी प्रश्नकर्ता के लिए भी निकलवाएं। नीचे मैसेज होता है, जैसे इसमें मैसेज है, इट्स द टाइम फॉर क्लीनिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो इस तरह के अब ये जैसे आया कि आप उसको सलाह दे सकते हैं कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, आपके माइंड में बहुत तरह की नेगेटिव थॉट्स हैं, तो आपकी बॉडी और माइंड को एक डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, आप किसी छुट्टी पे चले जाएं। तो इस तरह के कार्ड्स भी आते हैं, जो आपके दिल को छुए वो कार्ड आप लें। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स वाले कौन से कार्ड्स होते हैं आचार्य श्री, ये भी आप हमें बताएं। जी मेरे को तो राइडर एंड वेट सबसे अच्छे लगते हैं, इस तरह के रहते हैं, ये प्रिंट रहता है इनका, ये कार्ड्स आप लें, और इन पे ही ऐसे पिक्चर्स होते हैं, 78 कार्ड रहते हैं ये, इसमें 52 मेजर जो कार्ड्स होते हैं वो सेट के होते हैं, और 18 इसमें मेजर अकराना होते हैं। तो आप ये वाले कार्ड्स लें और देखिएगा इसके रिजल्ट्स अपने आप ही इतने चमत्कारिक रूप से अच्छे आते हैं, अगर इनको क्लींस करके अच्छी तरह से रखा जाए तो चमत्कारिक रूप से ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। जी कितनी बार इनको चार्ज किया जाता है, जैसे कि सुबह शाम किया जाता है, या फिर वन टाइम यूज़ करके, या फिर चार्ज किया जाए, उसका प्रोसीजर भी आप हमें बताएं। देखिए चार्ज का ऐसे सच प्रोसीजर नहीं है, पर जो डेली टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं उनको उठते, जैसे आप पूजा करते हैं ना, ऐसे ही आपको सुबह उठ के इनको एक बार शफल करके, और जैसे मैंने बोला, एक बार देखना ज़रूर चाहिए। आप अगरबत्ती दिखा सकते हैं, अच्छे सेंस कैंडल्स लगा सकते हैं, आप जैसे मैंने बताया था कि सिनेमन स्टिक जला सकते हैं, ताकि इसमें पॉजिटिवनेस आए। आप डेली करें, और जब भी अगर आपके हाथ से कभी कोई कार्ड गिर जाए, कोई नेगेटिव बंदा छू ले, या थोड़ा सा भी कट फट जाए, या आपको ऐसे आंसर्स अगर कार्ड्स अच्छे नहीं दे रहे, आप तब इनको चार्ज अवश्य करें।
एक विशेष बात और जानना चाहेंगे आपसे। कई बार एक ही व्यक्ति कार्ड को यूज़ करता है, उनको चार्ज करता है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति उनको प्रयोग करे, इस्तेमाल करने लगे, क्या वाकई वो काम नहीं करते हैं या करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, ये भी आप हमें बताएं। जी देखिए, आप जो डेक होता है वो आपका हमेशा पर्सनल रहता है। आप इसको जैसे कपड़े अपने शेयर नहीं करते, अपना ऐसे आप इसको शेयर नहीं कर सकते। पर अगर आपने किसी से कार्ड लिए हैं, जैसे आपके गुरु ने आपको कोई दे दिए, आपकी बहन ने आपको दे दिए, तो आपको उनको चार्ज करना चाहिए, अपने तरीके से चार्ज करना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जीज उस कार्ड के साथ जुड़ जाए। जी, और कौन सी ऐसी बातें हैं आचार्य श्री जो जाननी वाकई बहुत ज़रूरी हैं, जो कि टैरो कार्ड से जुड़ी हुई हैं? जी देखिए, टैरो कार्ड जब आप करते हैं तो एक ये एक डिवाइन फॉर्म है आंसर्स लेने की, और एक बहुत ही स्पिरिचुअल फॉर्म है। तो इसको इसको कोई खेल ना समझा जाए, इसको बहुत सीरियसली करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं 22 साल से ये कर रही हूँ और मैंने ऐसे ऐसे आंसर्स दिए हैं, कभी भी हंसी मजाक ना करते हुए एक ऐसी गाइडेंस ये आपको दे जाते हैं। एक सेशन कई बार एक एक घंटे का चला जाता है, जिसमें ये ऐसी ऐसी बातें बता जाते हैं प्रश्नकर्ता की, उसके पास्ट में क्या हुआ, उसके प्रेजेंट में क्या हुआ, उसके फ्यूचर में क्या होगा, उसकी रिलेशनशिप कैसी चलने वाली है, उसकी आगे जाके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स तो नहीं होने वाली, कोई उसको धोखा तो नहीं दे रहा, अगर चोरी हुई है तो उसको मिलेगा वो वापस धन की नहीं मिलेगा, इस तरह के आंसर्स इतनी सटीकता से ये कार्ड दे देते हैं। तो इनको एक स्पिरिचुअल फॉर्म मान के, जैसे बाकी हम एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या वास्तु को मानते हैं, इसको भी ऐसे ही मान के अगर करा जाए तो ये बहुत ही सुंदर विधा है। और वेस्ट में तो इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, अब इंडिया में भी बहुत लोग ये कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे रमल विद्या है हमारे देश में, कि उसमें कार्ड्स होते हैं और आप देखते हैं ना कि रामायण की चौपाइयाँ हुआ करती थी, और आपकी दादी नानी कहा करती थी कि इस पे हाथ रख दो, आपको जहाँ मन करे वहाँ हाथ रख दो, और आपका जो भविष्य था वो निकल आता था। तो ये भी उसी तरीके से है कि आपका भविष्य ये बता देते हैं। बिल्कुल, कहा जाए विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास ही व्यक्ति को आगे की ओर लेके जाता है। एक बार फिर से बता दें, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज है, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी और साथ ही साथ नंबर्स आ रहे हैं, आप तुरंत उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। आचार्य जी, जब हम टैरो कार्ड की बात करते हैं, फिर जिक्र करते हैं, एक पॉजिटिव ऑरा हर व्यक्ति के जहन में स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। आपको कभी ऐसा आभास हुआ, कोई उदाहरण आपके समक्ष आया हो जो स्वयं में पॉजिटिव है, उनको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप हमें बताएं। जी देखिए, कोई कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, अपना भविष्य कौन नहीं जानना चाहता। बिल्कुल, तो बहुत पॉजिटिव लोग भी और बहुत ज्ञानी ध्यानी लोगों को भी मैंने देखा है, जहाँ पर जब सारी विद्याएं खत्म हो जाती है ना, तो कहते हैं कि विजया जी आज हमारा टैरो निकाल दो, तो तब ये टैरो कार्ड्स काम आते हैं। वहाँ पर कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि शायद कोई मेरी शिक्षा तो नहीं ले रहा, शायद कोई मेरी परीक्षा तो ही ले रहा, क्योंकि आप भी उसी ऑरा में बैठी हुई होती हैं, तो हम जानना चाहेंगे इसके विषय में भी आपसे आचार्य श्री। देखिए, अब शायद वो मैंने या तो पार कर लिया है वो समय कि मुझे किसी को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मेरे जो प्रिडिक्शंस हैं इसमें सही हुए हैं। पर हाँ, लोग चेक करना चाहते हैं और वो चेक करते हैं, और जब उनको इसका सही आंसर मिल जाता है तो वो खुद आगे आके कॉल करके बताते हैं कि ऐसे हुआ जो आपने बोला था। मैं तो कई बार भूल भी जाया करती हूँ, फिर उन्हें याद रहता है, आपने बताया था ना, देखो दीदी ऐसा हो गया। तो ये ऐसा रहता है कई बार। जी, हम चाहेंगे कार्यक्रम में चलते चलते संदेश स्वरूप आप ज़रूर कुछ कहें। हम जी मैं ये कहना चाहूँगी आज कि बहुत सुंदर विद्या है ये, बहुत स्पिरिचुअल विद्या है ये, इसको बहुत अगर ध्यान से करा जाए और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के, डिवेनिटी से जोड़ के, देवतत्व से जोड़ के इसको किया जाए, चार्ज करके किया जाए, अगर आप चार्ज करके अपने कार्ड्स को इस्तेमाल करें तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बहुत अच्छे से। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखें, और इस कार्यक्रम में हम आपको सिखा ही रहे हैं इसके इसकी बातें, तो हमसे जुड़े और जाने कि टैरो कार्ड है क्या। यदि कोई सीखना भी चाहता है तो क्या प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो भी आप हमें चलते चलते बताएं आचार्य जी। अगर कोई इसको सीखना चाहता है तो बिल्कुल इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि इनको चार्जिंग की
और एक एक कार्ड को समझना पड़ता है, 78 कार्ड रहते हैं ये, फिर भी एक पिक्चर रीडिंग की विधा है ये और डिवेनिटी से जुड़ी हुई। तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो भगवान को मानता है वो इसको बिल्कुल सीख सकता है। जी आचार्य श्री, आज आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। कहते हैं दुनिया का एक नियम है, जो बांटोगे वही मिलेगा, फिर चाहे वो अनाज हो, पैसा हो, अपमान हो, सम्मान हो या फिर मोहब्बत। मोहब्बत बांटना ही हमारे इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए चलते चलते एक बार फिर से बता दें, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई क्वारीज है, कार्यक्रम के अंत में आप हमारा नंबर और साथ ही साथ ईमेल आईडी भी नोट करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।